बिहार के हाजीपुर में गुलनाज को जिंदा जलाने के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। एफआईआर में नामजद मुख्य आरोपी चंदन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही बाकी दो आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। इसी बीच लापरवाही बरतने के आरोप में एक एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही डिप्टी सीएम रेणु देवी ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल वैशाली में 30 अक्टूबर की रात देसरी थाने के रसूलपुर हबीब की गुलनाज खातून को गांव के ही कुछ लड़कों ने छेड़खानी को लेकर विरोध करने पर केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। 15 दिन बाद लड़की की मौत हो गई। गुलनाज खातून का शव जैसे ही उसके गांव पहुंचा, उसके बाद लोग प्रदर्शन करने लगे। काफी मान मनोवल के बाद परिवार ने अंतिम संस्कार किया। इस पूरे मामले में परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस खौफनाक मामले में लापरवाही को लेकर सफाई दी और कहा कि मामले की जांच स्पेशल टीम कर रही है। वहीं मृतका गुलनाज के परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी उन्हें धमका रहे हैं। साथ ही पुलिस पर इस मामले में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लग रहा है, जिसके बाद स्थानीय चांदपुरा थाने के एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। न्यूज़ डेस्क।